नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में जो हरियाणा की सरकार है, बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया कार्य करती रहती है। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। बच्चों का जो हुनर है उसे निखारने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं मानद महासचिव श्री प्रवीण अत्री जी। तो प्रवीण जी, आज आप पानीपत पहुँचे, कैसा अनुभव रहा? नमस्कार जी। पानीपत पहुँचने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मेरा होम टाउन भी है, मैं पानीपत का ही रहने वाला हूँ, तो ज़्यादा तो मैं पानीपत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आज हमारे पूरे प्रदेश की जिला बाल कल्याण अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो बच्चे हमारे कोरोना काल की वजह से घरों में कैद हो गए थे, उनका जो मानसिक तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको कैसे उनको तनाव से दूर किया जाए। ऐसी ऐसी नई नई गतिविधियां जो हम ऑनलाइन चलाते हैं, उन ऑनलाइन गतिविधियों को चलाने के बारे में आज हमने पूरे प्रदेश की मीटिंग रखी गई थी, जिसका एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो ऑनलाइन चलाई गई थी, जो ये पूरी आपकी रूपरेखा थी, क्या इसमें कितने बच्चों की हुनर जो सामने आई? और लगता है कि हरियाणा जो कि अपने दंगल कुश्ती के लिए जाना जाता है, यहाँ पर हुनर की कोई कमी नहीं है। हमने ग्रीष्मकालीन शिविर जो कोरोना काल में लगाया था, ऑनलाइन लगाया था, उसमें पूरे प्रदेश से 212,786 बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को निखारा और उसमें हिस्सा लिया। और इसमें हमने प्रदेश स्तर पर जो विजेता घोषित हुए हैं उनको इनाम दिया गया। तो जो बच्चे जिला स्तर पर जीते हैं, क्या उन्हें आगे ले जाने के लिए भी कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? इसमें सबसे पहले जो बच्चे हमारे जजेस ने जिला स्तर पर विजेता घोषित किए थे, फिर उन जिला स्तर वालों विजेता घोषितों को फिर एक राज्य स्तरीय विजेता घोषित हुए हैं, उन्हीं बच्चों में से हमने राज्य स्तरीय विजेता घोषित किए हैं। और जो बच्चा अच्छा कार्य किया, डांस में किया, गायन में किया, पेंटिंग में किया, वो उनको पुरस्कार देने का काम किया। बिल्कुल, आपके जो स्टाफ हैं रितु राठी DCWO, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उन्होंने बात कर 10-10 घंटे काम किए, ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी काम किए, और आज आपका जो ये कार्यक्रम था आपने किया था, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, पूरे हरियाणा में ढंका बजा आपके कार्यक्रम का, क्या कहना चाहेंगे? रितु राठी जी बहुत अच्छे से, लगन से, मेहनत से कार्य कर रही है। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आगे भी बच्चे के कल्याण के लिए ऐसी अच्छी नई नई योजनाएं लेके आए और बच्चों तक भिजवाएं। जैसे हमने अभी लास्ट में नशा मुक्ति दिवस पे साइकिल रैली का आयोजन किया था, उसमें हमने दिया था दूध दही का खाना, नशा मुक्त हरियाणा, उसमें भी रितु राठी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत सारे बच्चों को जागरूक किया साइकिल रैली के माध्यम से। हमारे DC साहब ने, पानीपत के जो DC साहब से, उन्होंने उसका हरी झंडी दिखा के उस रैली का उद्घाटन किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, अंत में मैं सभी जो जितने भी लगभग मैं सेलिब्रिटियों से ये सवाल पूछा करता हूँ, लेकिन कई जो हमारे सर के गणमान्य व्यक्ति उनसे भी पूछ लेता हूँ, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं पवन शुक्ला को इंटरव्यू दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यवान समझूंगा कि मैं पवन शुक्ला के सामने आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद है रितु राठी DCWO, और अभी हमने बातचीत की अंदर प्रवीण अत्री जी से, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कार्यक्रम था सफल होने की वजह हमारी टीम थी, खासतौर पर आपकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमने जो आज का प्रोग्राम रखा हुआ है वो हमारा स्टेट लेवल का प्रोग्राम होता है, जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, सभी DC की डिस्ट्रिक्ट के जो DCWOs हैं वो अपनी त्रैमासिक जो रिपोर्ट होती है वो इस मीटिंग्स में देनी होती है। और जो हमारे प्रवीण अत्री जी हैं मानद महासचिव हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के, उनकी अध्यक्षता में हमने ये मीटिंग जो है करवाई है आज पानीपत में। और ये पानीपत का सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हम प्रवीण अत्री जी की फर्स्ट मीटिंग क्वार्टरली पानीपत में ही रख रहे हैं। और जो जहाँ तारीफ और अरेंजमेंट की बात है जी, वो जैसा प्रवीण अत्री जी के निर्देश थे कि फर्स्ट टाइम उनका होम टाउन है और यहाँ पे अच्छी से अच्छी हम यहाँ तैयारी करके दो, तो आप सबके सहयोग से, पूरे स्टाफ के सहयोग से हमने ये जो तैयारियाँ की हैं उसमें हम कहीं सक्सेस भी रहे हैं। अगर बात की जाए, कई लोग हैं, अगर 8 घंटे का काम होता है तो होते हैं 4 घंटे करके हम चलते हैं, लेकिन आपके बारे में बात की जाए, आप ऑफ ड्यूटी भी काम कर रही थी जी, तो ये हौसला कहाँ से आता है आपके अंदर? ये जो जब हमने, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब जहाँ बच्चों से रिलेटेड बात आती है तो हम उन बच्चों में अपने खुद के बच्चे देखते हैं कि हमारे बच्चे अगर इन केस ऐसा हो तो उनके लिए कौन आगे आएगा, तो वहीं से हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं
कि हम ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, जहाँ बच्चों से रिलेटेड कोई बात आ जाती है, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई बात यहाँ आती है, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, 24/7 उपलब्ध हैं उन बच्चों के लिए। इन फ्यूचर की बात की जाए तो बच्चों की एक्टिविटी की निखारने के लिए क्या आगे भी ऐसे भविष्य में काम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे अभी कोरोना में हमने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना किट वितरित की है, बच्चों को समझाया है कि कैसे वो कोरोना से बच सकते हैं। सेकेंडली, बच्चे घर पे बैठे बोर ना हो, हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज शुरू की हैं, चाहे ग्रीष्मकालीन शिविर कैंप के रूप में की है, चाहे बाल महोत्सव के रूप में की है। आगे भी समय पर डिपेंड करेगा कि जैसे कोरोना काल अभी चल ही रहा है और आगे अगर यही व्यवस्थाएं रही हैं कि लॉकडाउन है या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म फिर से देंगे बच्चों को कि वो ऑनलाइन घर बैठे अपने आप की जो उनके अंदर की प्रतिभाएं हैं वो निखर के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, ये हमारे साथ थी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रितु राठी जी, जिनका कहना था कि हम भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहेंगे, निरंतर हमारा प्रयास है कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारें। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।